तो इस वीराने पहाड़ को हम बदलने वाले हैं, इंफिनाइट और बनाने वाली इंगट बनाने वाली, रिफाइन इंगट बनाने वाली, स्पेयर्स बनाने वाली, वेपन्स बनाने वाली, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, यहाँ पे होगा हमारे पास एक अपना खुद का स्टोरेज एंड बेडरूम, मेडिसन, वर्क स्पीड बूस्टर, प्लांटेशन एंड फीड बॉक्स, साथ ही साथ बाथ टब्स एंड जो बेडरूम्स होंगे पाल्स के लिए, और एंड में हमारा जो बेस होगा वो दिखने लग जाएगा ऐसा। आपको बताऊंगा यहाँ पे दो बेस बनाना, पहला बेस जो होगा वो उसमें सिर्फ इंफिनाइट ऑर्स बनेंगे, लेकिन जैसे मैं आपको दूसरा बेस बताऊंगा उसके अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, सारी चीज ऑटोमेटिक होगी और इंगट्स बन जाएंगे, और साथ ही साथ अपने वेपन्स को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। चलो, हो सकता है कि आप कभी गए हो बनाने के लिए अपना स्पेयर्स और वेपन्स, और आपको लगाओ कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में इंगट्स ही नहीं है, तो आप परेशान हुए होंगे, आपने खुदाई करी होगी। इस सबसे बचाने के लिए हमको ये इंगट बेस बनाना है, तो चलो बात कर लेते हैं इसके लिए नीड्स क्या क्या होगी। कि आपका जो बेस लेवल है वो एटलीस्ट 10 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर 10 से ज़्यादा होगा तभी आप दो बेस सेटअप कर सकते हो, और आप तभी 10 पाल्स अपने बेस में लगा सकते हो, जो कि यहाँ पे काम करने के लिए ज़रूरी है कि इतने पाल तो अपने को लगेंगे। और साथ ही साथ में आपकी जो लेवल है वो 15 से ज़्यादा होनी चाहिए, कि लेवल 15 से ज़्यादा होगी तभी आप नाइट विंग का यूज़ करके यहाँ पे आ पाओगे, उसका सेडल 15 पिन लुक होगा। उसके बाद इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर जस्ट मैंने अभी मैप में दिखा दी है, जस्ट ऊपर अपने स्पॉन्स पॉइंट के ऊपर हो। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर मैंने ऊपर यहाँ पे तीन ये भी साइन कर दिए है, समझ में नहीं आया लोकेशन तो मुझसे बोल देना, कोऑर्डिनेट्स देख ले। और अब बात करते भाई कि अपने को कौन से पाल्स यहाँ पे लग सकते हैं, तो सबसे अच्छा मैं बोलूँगा पेनकिंग ले लो शुरू में, और डोमेट ला लो, टॉमबेट ला लो, शुरू के आपके पाल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं बात के लिए आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अनुबिस ला लो, और अनुबिस आपके लिए सबसे बेटर होगा, डिक्टोइज, क्वेरीन और एस्टेगन लेवल 4 का होता है तो वो भी बेटर होगा, बट मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अनुबिस। आप देख सकते हैं मेरे बेस में अनुबिस काम कर रहा है, और ये इसलिए जरूरी है कि बहुत फास्ट काम करता है, और साथ ही साथ में आप इनको बहुत आसानी से ब्रीड कर सकते हो पेनकिन और बूसी को करके। मैं आपको एक छोटा सा जल्दी से जल्दी दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। तो लो, आपको लगेगा एक मेल और फीमेल दो डिफरेंट वाले, एक अनुबिस और एक बूसी, उन दोनों को आप ब्रीड करवाएंगे, उनको केक खिला के, केक क्रेस्पी है, अपने को लगेगा फ्लोर, बेरीज, मिल्क है ना, हनी, और साथ ही साथ अंडे, ये सब मिला के आप केक बना लेंगे और केक खिला देंगे, तो आपको उसके बाद में जो प्रोसेस होगी उसके बाद वो लोग ब्रीड करेंगे, ब्रीड करके आपको एक अनुबिस दे देंगे। सिंपल ये पूरा प्रोसेस है, ये आपको एक दूसरे वीडियो में मैंने बता दिया, ऊपर यहाँ पर उसकी लिंक है, तो ये आपने अनुबिस को ब्रीड करा लेना है ऐसे। अब आपको यहाँ पे पहुँचना है, और आपके बे में कम से कम होना चाहिए एक पैलेडियम स्टोन, भाई कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ बनाने के लिए लगेगा। फिर आपको होना चाहिए थोड़ा सा स्टोन, स्टोन से अपने स्टोन स्ट्रक्चर बना लेंगे बीचों बीच में, जो कि थोड़ा ऊपर से ऐसा दिखाई देगा, और जैसे ही आपको लगे कि बीचों बीच बन गया तो उसके ऊपर बना देना अपना ये जो भी अपन बनाते ना बेस के लिए, ये पाल डेस्क बना देना, पाल डेस्क अपन जैसे ही बना देंगे तो उसका जाकर देखना, ये अगर ऐसा कुछ बाहर जा रहा हो तो वापस जाना पाल डेस्क को तोड़ना, और पाल डेस्क को तोड़ के वहाँ फिर से उसको क्रिएट करना है ना, और फिर से एक बार चेक करना, और जब आपको लगे कि आपका परफेक्ट बन चुका है, जैसे आपको लगे कि आपका परफेक्ट बन चुका है तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एक दीवार बना देनी है। इस दीवार का यूज़ हम करेंगे ऐसे उचक के आने के लिए, देखो ऐसे, ठीक है, ताकि कि हम जब बहुत सारा वजन उठा लेते तो हम चल पाए, क्योंकि यार जब हम बहुत सारा वजन उठा लेते तो हम चल नहीं पाते। उसके बाद आपको बनानी है दो पेटी, एक कोल के साइड और एक ओर्स के साइड, ठीक है, क्योंकि ये माइनिंग करें कहीं तो रखेंगे ना भाई। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना आना है और अपना बेस जो है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा ढंग से क्रिएट करना है, और जो आपको साइड में जगह दिख रही है जहाँ पे आपको लगे कि कोई भी और नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म बना देना, उसके ऊपर थोड़े बहुत सावर वावर बना देना, थोड़े से बेड रख देना है ना, बेड कम से कम 10 रख देना, वैसे 20 रखे हैं मैंने, क्योंकि मेरे में तो मैंने 20 पार्स अनलॉक कर रखे हैं, वैसे 15 ही होते हैं, पर अगर आप चाहोगे कि 20 कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। कुछ नहीं, सेटिंग्स में जाना, थोड़ा सा चेंज कर लेना, थोड़ी सी ट्विक मारना, और ये आपको बेड्स रखने हैं, बेड्स रखने के बाद में आपको फिर यहाँ पे दो चेरी प्लांटेशन लगा देना है, उसके साइड में फीड बॉक्स रख देना है, और फीड बॉक्स के अंदर भाई खाना भी रख देना, मेरी तरह मत करना, मैं भूल गया था रखना, मेरे सारे पाल संग्री होकर मर गए थे, तो ऐसी गलतियां मत करना मेरी जैसी। और जहाँ पे ऐसे एजेस हल्की सी बाहर जा रही है वहाँ जाके दीवार बना देना है, और दीवार के लिए आपको थोड़ा सीमेंट लगेगा जो कि आपको बोल से मिल जाएगा, बोल नहीं पता कैसे मिलेगी तो बोल देना, मैं वो भी आपको बता दूंगा, उसके ऊपर से भी एक वीडियो बना देंगे। तो आपको ये दीवार बना देनी ताकि कि वॉल्स बना देंगे क्योंकि जो अपने पाल्स है वो बाहर नहीं गिरेंगे, वरना ऐसा होगा कि आप आओगे और आपको अपने पाल्स मरे पड़े हुए मिलेंगे और आप सोचोगे ये क्यों हो रहा है भाई, तो थोड़ा साइड साइड में वॉल्स बना देना, क्योंकि ऊपर पहाड़ से गिर के मर जाते हैं, मुझे नहीं पता गेम वालों ने मैकेनिज्म क्यों रखा है, बस रखा है तो रखा है। तो बस फिर कुछ नहीं यार, फिर आपको अपने सारे पाल्स को छोड़ देना क्योंकि आपका बेस ऑलरेडी मिल्क रेडी हो चुका है, दो डाल देना पेंटिंग क्योंकि वाटरिंग भी कर देंगे, माइनिंग भी कर देंगे लेवल 2 की, और कुछ डाल देना जो कि आपके लिए हार्वेस्टिंग कर दे, कुछ डाल देना जो आपके लिए प्लांटेशन कर दे, अगर आपको चाहिए कि वुड भी यहीं मिल जाए तो एक आध वुड डाल देना। अब मेरे पास ये डोमट्स पड़े हुए हैं भाई, तो मैंने जितने माइनिंग वाले जितने पूरे डाल दो ठीक है, पर एक रिक्वायरमेंट है कि दो पेनकिंग, दो प्लांटेशन वाले, दो जो अपने हार्वेस्टिंग कर दे ऐसे है ना, दो वाटरिंग वाले, ये सारे पाल्स अपने पास होना चाहिए है ना।
अब मान लीजिए कि ये हो गया अपना बेसिक बेसिक बन गया, कंप्लीट हो गया, आपको इसको थोड़ा सा एडवांस करना है। एडवांस करना है तो सबसे पहले मैंने बताया आपको अनुबिस पैदा करना है। अनुबिस पैदा करने के बाद में अनुबिस जैसे आप ब्रीड कर लेते हो तो उसके बाद में आपको उसके बाद में आपको जाना है और अपने अनुबिस को लगा देना है बेस के ऊपर, ठीक है, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। और यार कुछ होना हो आपके पास में थोड़े से फायर वाले भी होना चाहिए, लेवल 2 के लेवल 3 के फायर वाले पोकेबॉल्स, क्योंकि जो आप ओर्स बनाएंगे, इंगट्स बनाएंगे, है ना, मतलब ओर्स बनाएंगे, कोल्स बनाएंगे, इससे जो इंगट्स बनाएंगे, इंगट्स बनाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपको लगेगा यार थोड़ा सा फायर वाला, है ना, और खाना पकाने के लिए भी आपको लगेगा ही थोड़ा सा फायर वाला। तो फायर वाला भी यहाँ पे आपका होना चाहिए, एटलीस्ट दो दो लेवल के मिनिमम इतना होना चाहिए। और यार आपको ना थोड़ा सा एक इलेक्ट्रिकल पाल पकड़ के लाना पड़ेगा, जैसे कि मेरे पास ओर्जर्क है, अगर आपको भी ओर्जर्क चाहिए और ओर्जर्क को ब्रीड कैसे कराना है ये भी चाहिए तो मैंने ये दूसरे वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप ऐसे सेटअप करते हैं जैसे मैंने किया तो आपको भी ऐसे ही आना पड़ेगा, और 400, 500, 1000 कितने भी आप यहाँ पर रिफाइंड इंगट बना सकते हो। और थोड़ा सा ध्यान रखना यार, जहाँ पे एक बार आपने माइनिंग लगा रखी हो, जहाँ पर दूसरी साइड माइनिंग हो रही हो, दोनों साइड पर एक फीड बॉक्स रख देना, क्योंकि उन फीड बॉक्स से क्या होगा कि टाइम बचेगा, वो लोग जल्दी आएंगे और जल्दी खा पाएंगे। तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और यार जब तक आप लोग सब्सक्राइब करते हो तब तक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरा बेस। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो स्पॉन हुआ, ठीक है, अब ये मेरा बेस है, यहाँ पर दोनों साइड में चुका हूँ, ये मेरा फर्नेंस है जिसके ऊपर मेरा फायर सुजाकू, जो मतलब अपना जो नॉर्मल वाला सुजाकू है वो काम कर रहा है, और ये बना रहा है मेरे मेटल इंगट्स, और यहीं पे मेरा मेरे जो इंगट्स बने हुए वो रेडी पड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर मैंने एक और फायर पान लगा दिया था। यहाँ पर मैंने अपने रख रख रखे हैं बेरीज पकने के लिए, यहाँ पे मैं रख देता हूँ कभी कभी दूसरे बेरीज, जैसे कि अभी रख देता हूँ यार, कुछ भी रख देता हूँ इनमें से। तो ये मैंने अपने बेरीज रख दिए हैं, कुछ था ही नहीं। यहाँ मैंने अपना हीटर लगा रखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे, मैं लगा रखा है। अब आप सोच रहे होंगे ये मेरा इलेक्ट्रिकल पाल यहाँ क्या कर रहा है खड़े खड़े, मतलब आप पंख चमक रहे, इसका मतलब बिजली दे रहा है। तो ऑफकोर्स ये बिजली दे रहा है यार ये यहाँ बिजली दे रहा है, ठीक है, हाँ ये दूर से काम कर लेता है इसलिए मैंने इसे ऊपर बना दिया। यहाँ मेरा स्टेच्यू ऑफ पावर बना दिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ जाती है इन चीज़ों की। उसके बाद में यहाँ पर मैंने अपने सारे जो वर्क बूस्टर्स है ना, जो हम यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि इनका कोई सेंस नहीं बनता ना, मतलब नीचे ये सारी चीजें मैंने यहाँ बना दी है अंदर, इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर यहाँ से डायरेक्ट अपना एक्सेस कर सकता हूँ स्टोरेज, और एक्चुअल मेरा स्टोरेज है अंदर, क्योंकि आप अंदर चल के कैसे ही आओगे, ठीक है। यहाँ मेरा बेडरूम रखा हुआ है, मतलब बेड रखा हुआ है, बेडरूम क्या होता है। उसके बाद में यहाँ से जस्ट नीचे जाते हैं तो यहाँ पे मैं रखे हुए अपने इनके लिए दो बाथिंग टब, यहाँ मेरी रखी हुई रिपेयर टेबल, ठीक है, और यहाँ पे मैं रख रखे अपने यहाँ बना रखे मैंने अपने चेरी प्लांटेशन, और चेरी प्लांटेशन के साथ में यहाँ पे फीड बॉक्स है, क्योंकि बनाओ यही रख दो यार, क्यों दूर तक दौड़ के जाना है, टाइम बर्बाद होता है। यहाँ मैं रखा हुआ अपना वर्क बेंच, जिसकी मुझे जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिकल वाला प्रोडक्शन असेंबली बना रखा है, मेरा सारा काम यहाँ हो जाता है। उसके बाद ये मेरे यहाँ पे मैट्स बनाता हूँ मैं अपने मेडिसिन्स, और ये देखो यहाँ पे अपने यहाँ पे कुछ बनाना है, यहाँ कोल्स स्पॉन होते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं रख रखा है अपना प्रोडक्शन असेंबली लाइन 2, और यहाँ मैं रख रखा है अपना जिसमें अपन स्पेयर बनाते हैं वो वाला स्पेयर असेंबली, और यहाँ पर फिर मैंने रख रखी है अपनी पाल गियर वर्क बेंच, ठीक है, और एक मैंने जो रख रखा है ना अपना फीड बॉक्स, वो यहाँ रख रखा है, ताकि जो भी इस साइड खुदाई कर रहे हो वो पाल यहाँ पे खा ले, और ज्यादा दूर ना जाए दौड़ के खाने के लिए, भूख लगी हो तो। और यहाँ बॉक्स रखे हुए हैं, बॉक्स रखा हुआ है, तो सारा कोल जो भी है उसके अंदर रखेंगे, इससे क्या होगा ज्यादा लंबा दौड़ना नहीं पड़ेगा, तो उनका टाइम बचेगा और ज्यादा काम कर पाएंगे, ठीक है। और उस साइड भी आप देखोगे तो सेम ही चीजें मिलेगी आपको, यहाँ पर रखा एक फीड बॉक्स है ना, और इस फीड बॉक्स में आप देखोगे इस फीड बॉक्स में मैंने थोड़ा खाना रख रखा है, और यहाँ पे भी मैंने बाकी बॉक्स रख सके इनके अंदर, ये लोग रखते हैं अपने ओट्स, ऑफकोर्स मैंने सारे ओट्स लगा दिए थे अपने पिछले, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ भी मैंने जहाँ जहाँ पे अपने ओट्स आते हैं वहां पे मैंने लगा रखे हैं, और आप देखोगे यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे जो चेरी प्लांटेशन लगाता हूँ ना कभी कभी वो टूट जाती है, तो मैं फिर से बना देता हूँ, नॉट अ बिग डील है ना। और यहाँ पे मैंने उस साइड में रख रखा है ना, यहाँ पे ये जो लोकेशन है आपने देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि इस लोकेशन पे जो पहली वाली चेरी प्लांटेशन वगैरह हो जाती है। और यहाँ पे थोड़े से बेंड्स रखे हुए हैं, मैंने यहाँ पूरे 20 रखे हैं, 5x4 का है मेरा, 5x20 हो जाता है। तो ये हो गया है मेरा पूरा ओवरऑल सेटअप है ना, जो कि बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि बढ़िया है, और आप भी थोड़ा इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर लिया रखे, ठीक है। तो ठीक है यार, यही था सब कुछ, चलो मिलते हैं, होप आपने अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, बाय। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है यार वो मेरे ब्रीडिंग फार्म के ऊपर आने वाला है,
हो सकता है अब तक आ भी गया, जब आप भी देख रहे हो तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इसके ऊपर जाके ब्रीडिंग फॉर्म में रखा देखेगा। तो मेरा ब्रीडिंग फॉर्म अभी आधे में है वर्क, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा ब्रीडिंग फॉर्म, यहाँ मैंने केक फोटो में गिर रखा थे, और यहाँ पर ये अपने ब्रीडिंग के लिए सारे ये मैंने अभी बना बना हुए हैं। यहाँ पे मेरे बाकी पार्ट्स के बेड रखे हुए हैं, यहाँ पर ये सारे मेरे फार्म्स है, और वहां पे मेरे दूसरे वाले प्लांटेशन है पीछे, और यहाँ पे मेरे फार्म्स है। और ये अपनी हनी 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 बनाने के लिए छोड़ रखा है इसने, अब तक ये हनी भी नहीं बनाया कुछ कर में। चलो ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में जो कि आने वाला है ब्रीडिंग के बारे में। एक ब्रीडिंग के ऊपर से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें बहुत ही ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए उसके लिए भी, और देखते रहना यार।